बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को रूप बदल कर आना पड़ा अपने भक्त की रक्षा करने। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह हनुमान जी ने अपने सच्चे भक्त की रक्षा की। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है हिमाचल के बैजनाथ में रहने वाले उज्जवल जी ने। दोस्तों, उज्जवल जी बताते हैं कि वो एक ब्राह्मण तथा संस्कारी परिवार में जन्म लेने के कारण उनका बचपन भगवान के प्रति काफी प्रेममय और स्नेहपूर्वक गुजरा। वो अपने शब्दों में कहते हैं, वैसे तो मैं सभी भगवानों का बहुत ही प्रिय भक्त हूँ, मगर मेरे सबसे प्रिय हनुमान जी ही हैं। बहुत समय पहले जब किसी पंडित के कहने पर मेरे पापा ने मुझे व्रत रखने को कहा तो मैंने मंगलवार के व्रत शुरू कर दिए। तब से आज तक प्रभु की कृपा से मुझे किसी भी कार्य में कोई परेशानी नहीं होती। मुझे इतना विश्वास जरूर है कि हनुमान जी के नाम मात्र से ही कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, पल भर में ही टल जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ काफी संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। बात सन 2011 की है जब मैं अपनी बाइक से गांव के पास एक बाजार में जा रहा था। बरसात का समय था जिसकी वजह से सड़क में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था और फिसलन भी ज्यादा हो रही थी और सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मुझे बाइक चलाने में थोड़ा डर सा लग रहा था जिसकी वजह से मैंने बाइक की स्पीड बहुत धीरे कर रखी थी। बाजार भी ज्यादा दूर नहीं था, 5 किलोमीटर का ही फासला था, जिसकी वजह से मैं बाजार सिर्फ 15 मिनट में ही पहुंच गया। बरसात के मौसम में कुछ पता नहीं होता कि कब हिमाचल में बारिश हो जाए। हर 5-5 मिनट में मौसम बदलता रहता है। हमारे यहाँ तो हमारी आंखों के सामने बादल तैल रहे होते हैं। दोस्तों, इस वजह से मैंने समय बर्बाद न करके जल्दी जल्दी सामान खरीदा और गांव की तरफ वापस आने लगा। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और अब मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। बारिश होने के कारण पहाड़ों में कीचड़ और चट्टानों का गिरना एक मामूली सी बात है। बस दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई और पहाड़ों से चट्टानों का गिरना भी शुरू होने लग गया, जिस कारण मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी। मैं अपने गांव के करीब पहुंचने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी हालत एक मरे हुए इंसान जैसी हो गई। मेरी बाइक अपने आप ही रुक गई और मैं रोड के किनारे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा खून पूरी तरह से सूख चुका था। आसपास माहौल एकदम शांत था। उस समय जब मैं गांव के करीब पहुंचने ही वाला था कि ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान गिर रही थी। वो एकदम से पहाड़ के किनारे ही आकर रुक गई। अगर वो चट्टान नीचे गिरती तो मुझे भी अपने साथ ले जाती और मेरा मरना तय था। जब मैंने उस चट्टान को गौर से देखा तो उसे किसी बड़े हाथ ने पकड़ रखा था। मैं उस समय बहुत हैरान था और सन भी, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मुझे स्वयं हनुमान जी का ही हाथ नजर आ रहा था। उन्हें अपने सामने देखकर मैं हैरान हो गया, एकदम से डर गया और बेहोश हो गया। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। शंकर के अवतार है ये केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश भी संसार भर में वंदना होती है। जब आंखें खुली तो सब कुछ एकदम शांत और बारिश भी बंद हो गई थी। मैंने घर पहुंचकर ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई और वो हैरान हो गए। उन्होंने अगले ही मंगलवार को हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का पाठ करवाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह स्वयं हनुमान जी ही थे या फिर कोई और, या फिर वहम? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।